गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस्प्रो लाइफ 360। दिस इज योर फ्रेंड शाश्वती। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन एंड ग्रेट। तो अभी टाइम हुआ है 10:15 एंड वी आर गोइंग टू जिया स्कूल बिकॉज यूनिफॉर्म लेना है। तो चलिए। एक्चुअली इस साल सारे यूनिफॉर्म एक साथ नहीं मिला है, तो अभी विंटर के लिए जैकेट लेने हम आए हैं। तो लेना हो गया है हमारा। नाउ वी आर रिटर्निंग होम। तो रास्ते में बहुत ही ट्रैफिक मिला है और अभी हम घर पहुंच गए हैं। 12 o'clock के ऊपर हो गया है। सो फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी नहा के चली आई किचन में। अभी टाइम हो गया है 12:45। जल्दी जल्दी लंच बनाना है, तो मैं कुछ प्रिपेयर करके गई थी सुबह, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो स्कूल जाने से पहले मैंने दाल को वॉश करके भिगो के गई थी और स्पिनच को भी मैंने धो के रखा था। तो अभी पालक की दाल बनाएंगे और फिश करी बनाएंगे। तो मैं दाल को प्रेशर कुक कर लूंगी। तो मैं प्रेशर कुकर में दे रही हूँ दाल को और थोड़ा सा नमक और हल्दी ऐड किया है मैंने, और इसमें मैं गर्म पानी ऐड करूंगी। मैं हमेशा ही जब भी जल्दी में प्रेशर कुक करना होता है तो मैं गर्म पानी दे देती हूँ, जल्दी बन जाता है। तो मैंने गर्म पानी दे के प्रेशर को चढ़ा दिया है और फिश को नमक और हल्दी दे के मैं मैरिनेट कर लूँगी। तो मेरा मैरिनेशन हो गया है, बस सिंपल सा मैरिनेशन है। तो अभी मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और 2 tablespoon की करीब मैंने ऑयल दिया है इसमें, और फिश को मैं फ्राई कर रही हूँ। तो फिश को दे दिया है मैंने कढ़ाई में और मेरा फिश फ्राई हो भी गया है। तो इसे मैं एक बाउल में ले रही हूँ अभी। तो अभी उसी ऑयल में मैंने 2 slitted ग्रीन चिली दिया है और दिया है 1/2 teaspoon की करीब नाइजीला सीड यानी कि कलौंजी, और एक अनियन को मैंने चॉप करके इसमें ऐड किया है अभी। तो अभी अनियन को थोड़ा फ्राई कर लेंगे, अच्छे तरह थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और गैस को मैंने हाई फ्लेम कर दिया है। जब अनियन फ्राई हो जाए तब इसमें मैंने ऐड किया है चॉप टमाटोज और थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है ताकि टमाटोज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसको एक बार चला लिया है मैंने और इसको ढक दिया है मैंने अभी। और इसमें अभी मैं फ्रोजन मस्टर्ड पेस्ट को दे दूंगी 3-4 cubes और फिर से ढक दूंगी ताकि टोमेटो के साथ ये भी सॉफ्ट हो जाए। तो ये सॉफ्ट हो गया है, तो मैंने अभी 1 teaspoon हल्दी पाउडर और 1 teaspoon रेड चिली पाउडर दिया है और थोड़ा सा मैंने इसको भी स्टिर फ्राई कर लिया है। और अभी इसमें मैं गर्म पानी दे रही हूँ, मुझे जितना कड़ी चाहिए उसके हिसाब से मैंने पानी ऐड किया है। आप को जितना कारी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हो। अभी फिश को दे दिया है मैंने और इसे मैं अभी ढक दूंगी ताकि फिश भी सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह मेरा दाल बॉयल हो चुका है। तो मैं एक अनियन को चॉप कर रही हूँ और मैंने लिया है 2 green chili, तो इसको भी मैं चॉप कर लूंगी। तो ऑनियन एंड ग्रीन चिली चॉप हो गया है मेरा। तो मैं अभी स्पिनच का चॉप कर रही हूँ। तो सारे स्पिनच को मैंने चॉप कर दिया है। अभी पालक की दाल बनाना है। तो फिश करी मेरा रेडी हो गया है। अभी इसे मैं एक बाउल में उतार रही हूँ। फिश को बाउल में उतार लेने के बाद मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल कड़े में ऐड किया, 1/2 teaspoon के करीब। इससे थोड़ा टेस्ट बढ़ता है। अभी थोड़ा मिक्स कर लेंगे और बस फिश करी मेरा रेडी हो गया है। अभी पालक की दाल बनाना है। तो दाल मेरा पहले ही बॉयल हो चुका था, तो मैं दाल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ऐड कर रही हूँ। और मैंने कढ़ाई में लिया है 1 tablespoon के करीब ऑयल, मस्टर्ड ऑयल।
बस इसे मैं अभी बॉयल आने दूंगी। जब बॉयल आ जाए तो 1 टीस्पून घी मैंने ऐड कर दिया है। बस दाल मेरा रेडी हो गया है। तो रात के खाने के लिए मैंने रेड लोबिया को धो के भिगो के रखा है। और ये रहा हमारा लंच, फिश करी और पालक की दाल, और सलाद में कैरेट और अनियन को लिया है, आज कुकम्बर था नहीं। तो अभी शाम हो चुका है और हम चाय पी रहे हैं बिस्किट और टोस्ट के साथ। दोपहर में जो रेड लोबिया भिगोया था मैंने, तो अभी इसे बॉयल करना है, रात के खाने के लिए करी बनाएंगे। तो इसे मैं अभी प्रेशर कुक कर लूँगी, प्रेशर कुकर में मैं दे रही हूँ थोड़ा सा नमक और हल्दी देके इसे बॉयल कर लूँगी। तो इसमें मैंने गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, इसे हाई फ्लेम में 1 सीटी लगाऊंगी, इसके बाद स्लो फ्लेम में 2 या 3 सीटी लगाऊंगी। मैं अभी अनियन, गार्लिक और जिंजर का एक पेस्ट बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज की अनियन, 10-12 गार्लिक और एक टुकड़ा जिंजर। ऐसे करने से करी जल्दी भी बन जाता है और टेस्टी भी होता है। रेड लोबिया बहुत ही हेल्दी होता है, तो हम लोग महीने में 3-4 दिन तो खाते ही हैं। तो मैं अभी जिंजर को चॉप कर रही हूँ, मैंने दे दिया है अभी जिंजर को, इन सबको मैं अभी एक पेस्ट कर दूंगी। और एक ग्रीन चिली को दिया है, हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं खा पाते। तो एक बाउल में मैंने 2 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है, देन धनिया पाउडर लिया है मैंने 3 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून लिया है, और पानी देके इसका एक पेस्ट मैं बना लूँगी। तो पेस्ट मेरा रेडी हो गया है। अभी मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैंने इसमें ऐड किया 3-4 पाउड इलायची, देन 2 तेज पत्ता, देन 3-4 लौंग, देन 1 टीस्पून जीरा, होल जीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, देन जो पेस्ट बनाया था वो दिया है मैंने। तो जब वो पेस्ट फ्राई हो जाए तब मैंने इसमें ऐड किया है मसाला का वो पेस्ट, इन सबको मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया है। और इसके बाद जब मसाला अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसमें मैंने 2 टीस्पून के करीब टोमेटो सॉस को ऐड किया है, और इसके बाद बॉयल किया हुआ मैं जो रेड लोबिया है वो मैंने ऐड कर दिया है। जब थोड़ा बॉयल आ जाए तो मैंने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी को क्रश करके दे दिया है, और बस जब ये बन जाए तो गैस ऑफ करने से पहले मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा धनिया के पत्ते। तो अभी मैं रोटी बना रही हूँ, तो रोटी के साथ हम ये करी ले लेंगे। तो डिनर मेरा रेडी हो गया है और हम अभी डिनर कर रहे हैं। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ।